Hello students, welcome to our next video for subject auditing, and today we are going to study the topic. Today we are going to discuss our topic verification of assets. So, in the previous video, we have studied vouching, its importance, its performa. Today's video, we will study the next topic of unit 2, verification of assets by an auditor. So, what is verification ka meaning? What is the meaning of the word verification? I would like to clarify that verification means proving or confirming the truth. किसी भी सच को जो बताया गया accounts के अंदर, financial statements के अंदर, उसको prove करना या उसको confirm करना, that is called verification. It signifies proving the truth or confirmation. So verification includes the following. There are four elements of वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, जिसमें कि एक ऑडिटर को इन चार एलिमेंट्स पर बेसिकली और मेनली कंसिडर करना होता है वाइल ही इज गोइंग टू वेरीफाई द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसको वो ऑडिट कर रहा है. तो इन चार एलिमेंट्स को एक ऑडिटर को वेरीफाई करना होता है. ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस मीन्स द प्रॉपर्टी, द एसेट्स जो वेरीफिकेशन की डेट पर अवेलेबल है, शो किए गए हैं बुक्स के अंदर. दिस इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर कि वो उन सभी एसेट्स की एग्जिस्टेंस को इंश्योर करें. नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यूएशन. वैल्यूएशन मीन्स द टू कैलकुलेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एसेट्स की, जो भी उसकी वैल्यू है. लेकिन इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि वॉट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर रिगार्डिंग द टर्म वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स. नेक्स्ट वन इज ऑनरशिप, मीन्स कि जो भी एसेट्स को जिसको वेरीफाई किया जा रहा है उसकी ऑनरशिप किसके पास है, हु इज़ द ट्रू ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट. इफ द एसेट इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी द ट्रू ओनर ऑफ द सेम एसेट्स. नेक्स्ट वन इज पोजेशन, मीन्स कस्टडी कह सकते हैं हम लोग, कि जिस एसेट्स को अकाउंट्स में मैंशन किया गया, शो किया गया है, हु पोसेस दैट पर्टिकुलर एसेट्स. तो बेसिकली वेरीफिकेशन ऑफ एसेट्स के अंदर एक ऑडिटर की प्राइमरी ड्यूटी होती है कि वो इन सब मेन एलिमेंट्स को अप्लाई करे, फॉर्म करे. इसके बाद हम दो इसको डिटेल में देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में. द ऑडिटर हैज़ टू परफॉर्म फोर टाइप ऑफ फंक्शन. उससे पहले हम पढ़ेंगे आपका वैल्यूएशन. जस्ट ए मिनट प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड अपनी. द ऑडिटर हैज़ टू परफॉर्म फोर टाइप ऑफ फंक्शंस इन वेरीफाइंग द एसेट. सबसे पहला फंक्शन जो बेसिक होता है, टू सी दैट दे आर क्लियरली स्टेटेड इन द बैलेंस शीट. तो आप थोड़ा ध्यान से देखें कि उसी चार फंक्शंस से रिलेटेड है ये चार फंक्शंस. से पहले एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, ओनरशिप, पोजेशन. द एग्जिस्टेंस का मतलब टू सी दैट दे आर क्लियरली स्टेटेड इन द बैलेंस शीट, कि जो भी एसेट्स कंपनी ओन करती है वो सभी बैलेंस शीट में क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, स्टेट की जानी चाहिए. टू एंश्योर दैट दे आर इन एग्जिस्टेंस ऑन द डे ऑफ द बैलेंस शीट, कि एग्जिस्टेंस अभी लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो भी एसेट्स शो की जा रही है बैलेंस शीट में वो एग्जिस्ट होनी चाहिए. टू वेरीफाई दैट दे आर द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस एंड एज सच दे आर फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और मोर्टगेज. कोई भी किसी भी तरह का चार्ज, किसी भी तरह का मोर्टगेज उन एसेट्स पर नहीं होना चाहिए, और अगर है दैट शुड बी क्लियरली स्टेटेड, दैट शुड बी प्रॉपरली वेरीफाइड बाई द ऑडिटर एंड टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट दे आर प्रॉपरली वैल्यूड. और ये नेक्स्ट जो फंक्शन है उसका ऑडिटर का, वो ये कि वो खुद को सेटिस्फाई करें दैट द एसेट्स जिनको वेरीफाई किया जा रहा है वो सब प्रॉपरली वैल्यूड है या नहीं. सो इट कैन बी हेल्ड दैट इन वेरीफिकेशन ऑफ एसेट्स इट बिकम्स द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ इन रिगार्ड टू एग्जिस्टेंस, ऑनरशिप एंड वैल्यू ऑफ द एसेट्स. मैंने लास्ट स्लाइड में भी यही बताया और यहाँ पर भी इन सभी पॉइंट्स को हाईलाइट किया है कि बेसिकली प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है ऑडिटर की व्हेन ही इज़ वेरीफाइंग द एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि वो बेसिकली इन तीन आस्पेक्ट से रिलेटेड अपने आप को सेटिस्फाई करे. और ये सेटिस्फेक्शन तभी होगा जब अकाउंट्स में, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस में उसको इससे रिलेटेड एक फेयरली इन सभी एसेट्स को बताया जाए, एग्जिस्ट किया जाए, ओनरशिप एंड वैल्यू. सो इट कैन बी हेल्ड बाई ऑल दिस ऑल पॉइंट एंड आई कैन से इन नट सेल इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ विद रिगार्ड टू द एग्जिस्टेंस, ओनरशिप एंड वैल्यू ऑफ द एसेट्स. नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासीफिकेशन ऑफ एसेट्स. आप सभी जानते हैं क्लासीफिकेशन ऑफ एसेट्स, फिक्सड एसेट्स, करंट एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स.
तो फिक्स्ड एसेट्स कौन सी हैं? फिक्स्ड एसेट्स जिसमें प्लांट और मशीन, लैंड और बिल्डिंग। करंट एसेट्स कौन सी? जिसमें स्टॉक इन हैंड, बुक डेट्स, सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। एंड वेस्टिंग एसेट्स मीन्स कि माइंस और क्वेरीज एंड इनटेंजिबल एसेट्स, जो आप सब जानते हैं, जिसको टच नहीं किया जा सकता, जिसकी कोई फिजिकल कंस्ट्रक्शन नहीं होती, जिसमें गुडविल, पेटेंट और कॉपीराइट आता है। और फिक्टिशियस एसेट्स जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इन ए न्यू कंपनी। प्रिलिमिनरी कौन सी? जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक व्यय, जो किसी भी कंपनी को सेटअप करने में और स्टार्टिंग में इनिशियली किए गए खर्च होते हैं। तो ये पांच टाइप के एसेट्स हैं जनरली जिनको एक ऑडिटर को वेरीफाई करना होता है, जिसमें फिक्स्ड एसेट्स, जो पहले भी आप लोग अकाउंट्स के बेसिक्स में पढ़ चुके हैं, फिक्स्ड एसेट्स, प्लांट मशीन लैंड बिल्डिंग टूल फर्नीचर फिक्स्चर, ये सब फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं। करंट एसेट्स में स्टॉक इन हैंड, बुक डेट्स, सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स यानी वर्क इन प्रोग्रेस। वेस्टिंग एसेट्स में माइंस और क्वेरीज आती हैं। इनटेंजिबल एसेट्स में वो सब आएंगी जो फिजिकल कंस्ट्रक्शन नहीं है, जिनका जो इनटेंजिबल होती है, जो विच इज़ नॉट विजिबल, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। एंड फिक्टिशियस एसेट्स मीन्स प्रिलिमिनरी, इंटेंजिबल मीन्स विच हैज़ नो एनी फिजिकल कंस्ट्रक्शन, जिसको हम टच नहीं कर सकते, गुडविल और पेटेंट कॉपीराइट। फिक्टिशियस एसेट्स में वो सारी एक्सपेंसेस जो इनिशियली किए गए लेकिन उनका बेनिफिट कंपनी को आगे भी बहुत लॉन्ग टाइम तक मिलेगा, इसीलिए मैंने एक एग्जांपल मेंशन किया इसमें, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इन ए न्यू कंपनी। वैल्यूएशन मीन्स वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर वेरीफिकेशन। वैल्यूएशन एक पार्ट है वेरीफिकेशन का। वैल्यूएशन मीन्स टू टेस्ट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन एसेट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूटिलिटी। वैल्यूएशन का मीनिंग क्या है यहाँ पर? बेसिकली कि किसी भी एसेट की एग्जैक्ट वैल्यू को टेस्ट करना यूटिलिटी के बिहाफ पर, यूटिलिटी के बेस पर। सो इट इज़ कंसिडर्ड ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेरीफिकेशन ऑफ एनी एसेट। कि कोई भी ऑडिटर व्हेन ही इज़ वेरीफाइंग द एसेट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, उन एसेट्स को प्रॉपरली वैल्यूएट किया जाए और यानी कि उनकी एग्जैक्ट वैल्यू को टेस्ट किया जाए। वॉट इज़ द पोजिशन ऑफ एन ऑडिटर एज रिगार्ड्स द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात लिखी गई लैंकास्टर के थ्रू कि एक ऑडिटर क्या, ऑडिटर एक वैल्यूअर है जो कंपनी की सभी एसेट्स की इवेल्यूएशन करेगा, वैल्यूएट उनकी वैल्यू को कंसिडर करेगा या उसको एनालाइज करेगा या उसको असेस करेगा। तो इसके रिगार्डिंग बिल्कुल क्लियरली ये बात बताई गई है दैट ऑडिटर इज नेवर ए वैल्यूअर। ऑडिटर कभी भी एक वैल्यूअर नहीं है एंड कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज सच। ऑडिटर इज नॉट ए वैल्यूअर एंड कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज सच। ना तो वो वैल्यूअर है और ना ही कभी एक वैल्यूअर की तरह से एक्ट करेगा। ऑल दैट ही कैन डू इज टू वेरीफाई द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस एंड टू एसर्टेन एज फार एज पॉसिबल दैट द करंट वैल्यूज आर फेयर एंड रीजनेबल एंड आर इन अकॉर्डेंस विद द एक्सेप्टेड कमर्शियल प्रिंसिपल्स। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाई लैंकास्टर की इसमें बिल्कुल क्लियर किया गया कि ऑडिटर इज नॉट ए वैल्यूअर, वो कभी भी एक वैल्यूअर नहीं है और कभी भी एक्सपेक्ट न करें कि वो एक वैल्यूअर की तरह से एक्ट करेगा, काम करेगा। वो सिर्फ क्या कर सकता है कि वो ओरिजिनल कॉस्ट को वेरीफाई करेगा, कॉस्ट प्राइस को, और एसर्टेन करेगा एज फार एज पॉसिबल कि जो करंट वैल्यू मैंशन की गई है वो फेयर है, रीजनेबल है, एंड डेट वैल्यू इज इन अकॉर्डेंस विद द एक्सेप्टेड कमर्शियल प्रिंसिपल्स और नॉट। तो बहुत अच्छी बात लिखी गई यहाँ पर रिगार्डिंग द पोजिशन ऑफ एन ऑडिटर एज रिगार्ड्स द वैल्यूएशन ऑफ एसेट, डेट वो कभी वैल्यूअर नहीं है, बस उसको एक चीज़ वेरीफाई करनी है कि जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था उसकी एसेट का और जो करंट वैल्यू है उसकी एसेट की, वो फेयर और रीजनेबल है या नहीं और कमर्शियल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो आज के वीडियो में सिर्फ यही इतना ही कि वेरिफिकेशन के बाद हमने आज डिस्कस किया है ऑडिटर हैज़ टू परफॉर्म फोर टाइप ऑफ फंक्शंस इन वेरीफाइंग द एसेट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स हमने डिस्कस किया, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स और वैल्यूएशन क्या होता है एंड व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ एन ऑडिटर, कि क्या वो एक वैल्यूअर कहलाएगा और या फिर उसकी क्या, उसको किस तरीके से उसको ट्रीट करेंगे। What is the position of an auditor regarding valuation of assets? So, aaj ke topic mein itna hi. We will discuss our next topic in our next video. Have a nice day.